नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ठेला लगाकर चाट की दुकान संचालित करने वाले व्यवसायी के घर उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब चाट विक्रेता द्वारा गैस सिलेंडर से संचालित बड़े चूल्हे पर बनवाई जा रही चाट सामग्री के दौरान अचानक गैस सिलेंडर से निकली लेजम ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया, जिस पर आसपास के लोगों ने काबू पाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी के तेज बौछारें छोड़कर लपटों के साथ भड़की आग को काबू में किया। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 7 में रहने वाले देवेंद्र सिंह यादव पुत्र कुंदन सिंह यादव द्वारा मस्जिद के सामने मुख्य बाजार में ठेला लगाकर समोसा कचौड़ी ये सब बेचा जाता था। संचालित की जा रही थी हर रोज की तरह मंगलवार को भी 11 बजे के आसपास उक्त चाट व्यवसायी द्वारा अपने घर की दूसरी मंजिल पर कर्मचारी से चाट का सामान तैयार करवाकर जा रहा था। घरेलू गैस सिलेंडर से बड़े चूल्हे पर कर्मचारी कढ़ाई में समोसा तल रहा था। उसी समय गैस सिलेंडर से अचानक लेजम निकलने लगी, जिससे चल रहे चूल्हे में एकदम से आग का गुब्बार फूट पड़ा। तेज लपटों के साथ भड़की आग को देख कर्मचारियों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दी, जिसे सुन आसपास के पड़ोसी लोग वहां पहुंचे और अपने स्तर पर रेत पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। पितरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। कपड़ा से वाले कर ले।